एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है रेनॉल्ट किंगर नॉन टर्बो टेस्ट ड्राइव रिव्यू। सो इस वीडियो का आज हम देखेंगे, देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है और ये बेसिकली थोड़ा सा हट के होगा क्योंकि हम नॉर्मली पॉलिटिक्स के ऊपर ही वीडियो बना रहे होते हैं। सो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Do subscribe and press the bell icon on the YouTube app to get all the regular updates of GaadiWaadi.com. हेलो एंड वेलकम बैक टू GaadiWaadi.com। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं लेकर आया हूं एक और एक्सक्लूसिव वीडियो, रेनो काइगर जो लॉन्च होने वाली बहुत जल्द भारत के अंदर, उसका एक ड्राइव रिव्यू वीडियो। और आपको बताऊंगा कैसी है गाड़ी चलने में। ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है, ये है इसका नेचुरल एस्पायर्ड वेरियंट 1 लीटर, जिसमें 72 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क मिल जाता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो काफी आपको सिमिलर डिजाइन नजर आने वाला है क्विड के मुकाबले। सेम आपको क्विड से इंस्पायर्ड आपको ग्रिल मिलने वाली है, काफी स्टाइलिश दिखने वाली है। आपको LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी इसके अंदर, जिनको नीचे लगाया गया है। तीन आपको लाइट्स दिखाई देने वाली है और ये मिलेगी आपको DRL। साइड टर्न इंडिकेटर आपको मिलेंगे इस जगह गाड़ी के अंदर। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे, लाइट्स वगैरह ऑन होने के बाद ये गाड़ी ऐसी नजर आती है। फोटोज में, वीडियोज में आपको थोड़ी छोटी नजर आ रही होगी, बट एक्चुअल में आप गाड़ी को देखेंगे तो आपको काफी बड़ी नजर आने वाली है। ऑल अराउंड आपको बॉडी क्लैडिंग्स मिलने वाली है गाड़ी के अंदर, जो ट्रैवल करती है गाड़ी के चारों तरफ। काफी बड़े आपको व्हील्स मिलने वाले हैं, 16 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर। वेरियंट का लोगो आपको मिलेगा साइड के अंदर, साइड टर्न इंडिकेटर्स को ओआरविंग के अंदर लगाया गया है। डोर हैंडल्स आपको मिलने वाले हैं बॉडी कलर्ड और रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, जो इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी जस्ती भी हैं। इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें टोयोटा CHR की झलक दी गई है। लगभग वैसा ही डिजाइन नज़र आने वाला है। और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे से दोस्तों आपको नज़र आने वाली है यूरोपियन जो कैप्चर लॉन्च की गई है न्यू जनरेशन, उससे मिलता जुलता आपको डिजाइन नज़र आने वाला है। काफ़ी स्टाइलिश दिखने वाली आपको टेल लाइट्स मिलने वाली गाड़ी के अंदर। EGR ये MP वेरियंट है। तो ये तो एक बात हुई इसके एक्सटीरियर की, इंटीरियर की बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे स्पेस कैसा ऑफर करती है गाड़ी। तो काफ़ी अच्छा आपको लेगरूम मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। हेडरूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एक एवरेज इनकी हाइट 5 फुट 9 इंच के आसपास होती है, उतनी ही हाइट इनकी। और उसके अलावा आपको मिलने वाली है पीछे आर्मरेस्ट, इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, एक मोबाइल रखने का स्पेस दिया गया है और पीछे दोनों हेडरेस्ट उनको एडजस्टेबल रखा गया है। उसके अलावा व्यू काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, विंडो ग्लास ठीक ठाक साइज़ का लगाया गया है गाड़ी के अंदर। पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर आपको आर्मरेस्ट मिलने वाली है और लेगरूम काफ़ी कमाल का मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 405 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है और डिकी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, काफ़ी डीप भी रखा गया। हालांकि बैग्स को निकालने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि काफ़ी डीप रखा गया है। 60-40 स्प्लिट मिलने वाला है आपको पीछे वाली सीट्स के ऊपर। बात करते हैं अंदर और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कीलेस एंट्री, आपको अलग से एक्सेस बटन नहीं दिखाई देगा बट आपको मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है ORVMs की। उसके अलावा ऑल 4 पावर विंडोज, लॉक अनलॉक का यहाँ पे एक बटन दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है आपको डोर हैंडल्स के ऊपर। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली गाड़ी के अंदर दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी जगह दिखाई देने वाली है। फुल डिजिटल आपको स्पीडो कंसोल मिलेगा गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इंफोटेनमेंट आपको मिलने वाला है 8 इंचज के आसपास स्क्रीन है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस रखा गया है। इस सेगमेंट में सिर्फ 2-3 गाड़ियों के अंदर ही आता है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया है आर्मरेस्ट के नीचे, हालांकि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी आपको लगेगा हल्की है। कॉस्ट कटिंग आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 मोड्स, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। ये MT वेरियंट है, 5-speed MT आता है। उसके अलावा यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं नीचे, ऊपर आप रख सकते हैं मोबाइल। ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपको निशान की मैग्नाइट जैसी दिखाई देने वाले हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। जिस सेगमेंट में लॉन्च किया जा रहा है, राइवल करने वाली मैग्नाइट को, नेक्सॉन को, वेन्यू को,
स्पेस काफ़ी अच्छा ऑफर करती है, ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर की, बूट स्पेस 405 लीटर्स का मिलने वाला है, बट चलाने में कैसी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम चला रहे हैं रेनो काइगर को, इसके अंदर आपको मिलने वाले दो इंजन ऑप्शंस, एक है टर्बो इंजन जो 100 पीएस की पावर देने वाला है, 140 एनएम के आसपास का टॉर्क आपको मिलेगा, दूसरा है ये नेचुरल एस्पायर्ड इंजन, इसमें आपको मिलेगी 72 बीएचपी की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अच्छा अब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से आपको लगेगा नहीं कि फिगर्स उतनी ज़्यादा हैं, और वो आपको थोड़ा सा फील भी होगा जब आप इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे हाईवे के ऊपर, बट जैसे ही आप सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में जाएंगे तो आपको लगेगा ये टॉर्क एंड पावर फिगर्स काफ़ी सफिशिएंट है इस वेट की गाड़ी के लिए। हालांकि जब आप गाड़ी को लॉन्च करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा जर्क आ रहा है गाड़ी के अंदर, उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, बट एक बार जब टायर्स रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको कहीं भी पावर की कमी नहीं लगेगी, एटलीस्ट इन द सिटी ट्रैफिक कंडीशंस। और हाईवे के ऊपर भी आप आराम से 120-130 की स्पीड में क्रूज कर सकते हैं इस गाड़ी को। बट एक जो सबसे बड़ी कमी आपको फील होने वाली गाड़ी के अंदर नेचुरल एस्पायर्ड वर्जन के अंदर, वो होने वाली इसकी रिवर्स गियर के अंदर। जैसे आप रिवर्स गियर लगाएंगे गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली है, और वहाँ पर आपको लगेगा कि पावर बिल्कुल भी नहीं है रिवर्स गियर के अंदर। काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर ये इंजन आता है, रेनो की ड्राइवर के अंदर सेम इंजन आता है, वो 7 सीटर MPV है। उसके अलावा क्विड के कुछ वेरियंट के अंदर सेम इंजन आता है, रेडिगो के अंदर सेम इंजन आता है, और अब काइगर के अंदर भी सेम इंजन के साथ में गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो सिटी ट्रैफिक कंडीशन में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाकर। कलर बहुत अच्छा रखा है इन्होंने कॉम्बिनेशन, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड में कितना डिफरेंस है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इको में आपको पावर बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, बट माइलेज आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली, 20 के आसपास की आपको माइलेज मिलेगी इको मोड के अंदर, और नॉर्मल मोड में आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मोड थोड़ी ज़्यादा पावरफुल फील होने वाली है, बट इंजन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आपको सुनाई देने वाली है अगर आप हार्ड प्रेस करने वाले हैं। मैं 100 की स्पीड टच कर गया हूँ, लगता नहीं कि मैं नेचुरल एस्पायर्ड इंजन चला रहा हूँ, गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है AMT गियरबॉक्स के अंदर भी। हालांकि दिखने में ये गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट जरूर नज़र आती है, बट अंदर काफ़ी स्पेसेस है, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है गाड़ी के अंदर, लेगरूम काफ़ी अच्छा है दोनों सीट्स के ऊपर, फ्रंट में भी और रियर में भी। और जो कमाल की बात है इस गाड़ी के अंदर वो है इसका शोल्डर रूम, यूटिलिटी के काफ़ी सारे स्पेस दिए गए हैं, दो ग्लोव बॉक्स आपको आगे मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के नीचे, ऑल फोर विंडोज़ के अंदर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है, बूट स्पेस आपको मिलने वाला है 405 लीटर का, जो सेगमेंट का सबसे ज़्यादा भी रहने वाला है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 मिलीमीटर के आसपास की ऑफर करती है गाड़ी, जो काफ़ी अच्छी है। स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल मोड में जो डिफरेंस है वो आपको फील होने वाला है जब आप गाड़ी को चलाएंगे। और अगर आपका बजट नहीं है कि आप टर्बो वेरिएंट के लिए जाएं, या आपका बजट है कि एक स्विफ्ट या ग्रैंड i10 नियोस आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इस वेरिएंट के लिए भी जा सकते हैं, उस प्राइस में काफ़ी अच्छा एक पैकेज रहने वाला है रेनो की काइगर। निसान की मैग्नाइट को कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया गया था और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है उसके ऊपर, लगभग 40,000 कार्स बुक हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि इस गाड़ी के आने के बाद सेम जो रेस्पॉन्स मैग्नाइट को मिला था वैसे रेस्पॉन्स मिलने वाला है काइगर को। और कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, बलिनो, i10, i20, टाटा की टियागो अल्ट्रोज खरीदने की जो कस्टमर सोच रहे हैं उनके लिए रेनो एक काफ़ी अच्छा पैकेज लेकर आई है काइगर के रूप में। दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा कि इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूं इसको उस प्रॉपर तरीके से, वो वीडियो लेकर आऊँगा मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कैसी लगी ओवरऑल मुझे गाड़ी, तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। द सेल्स नंबर, टर्बो वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स का वीडियो मैं लेकर आऊँगा बाद में। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्विक जो ड्राइव रिव्यू है पसंद आया होगा, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली है रेनो की काइगर पे, इसके बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है, कैसा दिखाई देता है, वो वीडियोज में मैं लेकर आने वाला हूँ। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में यहीं आपसे विदा लेता है, धन्यवाद दोस्तों। गाड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, कलर भी कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज़बरदस्त लगा, और आपको पता है गाड़ी खरीदने से पहले तो लोग बस कलर ही देखते हैं ज़्यादातर, उसके बाद और चीज़ें जो हैं वो बाद में होती हैं, फर्स्ट होता है वो कलर होता है। तो कलर इसका दोनों ही बहुत ज़बरदस्त लगे, बिल्कुल डिफरेंट थे। और अब मुझे इसकी प्राइस का कन्फर्मेशन नहीं है कि प्राइस क्या है, और माइट भी प्राइस का कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई मुझे, बट ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसकी प्राइस क्या है। वैसे जो रेनॉल्ट काइगर है ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसका लुक सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा, और
नॉर्मली इस तरह की गाड़ियां अगर हम यहाँ से परचेज करते हैं अपनी कंट्री से, तो आपको पता ही है वो मिलती है 30 लाख प्लस की यहाँ पर जो है। और अब इस गाड़ी का मुझे अमाउंट पता नहीं है, बट अगर डेफिनेटली मुझे परचेज करनी होगी तो मैं तो जरूर करती, क्योंकि इसका लुक मुझे बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगा है। और यकीनन ये बहुत सस्ती होगी क्योंकि इंडिया में बनी है, इंडिया की गाड़ी है, सो डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। तो इसके अलावा वैसे तो टेस्ला भी आ रहा है अब भारत में, और टेस्ला तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा 30K में, मतलब कि हाँ इतने में मिल ही जाएगा। तो सॉरी 30K बोल रही हूँ, 30 लाख में आपको इजीली मिल जाएगी। बट ये है कि हमें तो 30 लाख में इस तरह की गाड़ियां भी मिल जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बाकी ये कहूंगी कि गाड़ी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इसका जो की लॉक है, लॉक था ना, वो उसको देखकर मुझे बिल्कुल वो पुरानी गाड़ियों वाला थोड़ा सा याद आ गया, जो पुराने जमाने की गाड़ियां हुआ करती थी। तो वैसे ही इसका लॉक था, जिसको पकड़ के ऐसे ऊपर करते थे फिर नीचे करते थे, तो सिम वैसा ही है। बाकी ये है कि गाड़ी का जो अंदर का जो लुक था वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, खूबसूरत लग रहा था। और जैसे कि चलाने में वो दिखा रहे थे कि कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत अच्छा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें बैठ कर हम लोगों को कैसा फील होगा, मतलब अगर फीमेल्स जो है वो छोटी हाइट की जो बैठ सके और वो ट्रैवल करें, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये, मतलब वो क्या ड्राइव कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, उनको सीट आगे करनी पड़ेगी ऐसे करके। तो एनीवेज, लेकिन गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है यार, सीरियसली बहुत अट्रैक्टिव गाड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी डिग्गी बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, इसके अंदर बहुत सारा सामान आ सकता है इजीली। और लेकिन ये उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो नीचे है, डीप है ना, तो उसको ऐसे उठाने में मसला होगा, बट ये है कि इजीली उसमें हम रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल हम सुजुकी मारुति और दूसरी गाड़ियों को देखें तो वो भी अच्छी होती हैं, बट ये जो है इसका अपना ही एक लेवल है। और बोल रहे हैं कि 45,000 जो गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी इन्होंने जो है वो बुक की हुई है। तो अब इस गाड़ी का पता नहीं कितनी बुकिंग होती है। तो खैर, आप लोग किस तरह, आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में, क्या ये गाड़ी खरीदने लायक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे जितना गाड़ियों का आइडिया है मैं तो उस तरह से ही बात कर सकती हूँ। और बाकी स्पीड भी सही दिखा रहे थे, और बाकी ओवरऑल जो है जिस तरह से वो चला रहे हैं, जिन जिन जगहों से चला कर गए हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि हाँ ये चल जाएगी काफी अच्छी, मतलब हर कंडीशन में। तो बाकी गाड़ियों के बारे में आप भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अच्छा लगेगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी है। बाकी हाँ सही था, अच्छा था, बैक साइड पे जो दो लोग बैठ सकते हैं वो भी बहुत अच्छा था, इजीली बैठ जाएंगे इस कंफर्टेबल होकर। और जो है वो पाउंग लॉन्ग जो सफर होता है तो लॉन्ग ट्रैवल में भी इजीली वो गाड़ी हम ये ले जा सकते हैं, क्योंकि पाउंग के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है हर चीज के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरजादा, बाय बाय।